Hello student, today we will discuss about question answer of chapter 3, that is fiber to fabric of 6th class science. Right, let's start. Our first question is, classify the following fibers as natural or synthetic. Nylon, wool, cotton, silk, polyester, jute. क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें कुछ फाइबर्स गिवन है, दैट इज नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट. इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा फाइबर नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक. राइट, अब आंसर इज फर्स्ट नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर कौन कौन सा है इसमें से? कॉटन, ठीक है, वूल, सिल्क एंड जूट. राइट, वूल बेटा किससे ऑब्टेंड होता है? वूल हमें एनिमल्स से ऑब्टेंड होता है, एंड कॉटन प्लांट से, एंड सिल्क एनिमल, एंड जूट प्लांट से. राइट, एंड सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन एंड पॉलिएस्टर. बेटा ये सिंथेटिक फाइबर केमिकल्स से बनाए जाते हैं. राइट बेटा, क्लियर? Now, second question is, state whether the following statement are true or false. हमें ये बताना है कि कौन से statement true है और कौन से statement false. First is, yarn is made from fibers. जो yarn है वो fibers से बने होते हैं, ठीक है ये, है ना? क्योंकि जो fibers होते हैं उनको twist करके twist किया जाता है, बताया था मैंने आपको जो इससे last जो video थी उसके अंदर. ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है? यार्न, फाइबर्स को ट्विस्ट करके. राइट बेटा, रोल करके. इट इज ट्रू. एंड सेकंड इज, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. फाइबर्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग. नहीं बेटा, स्पिनिंग नहीं होता ये. ये फाइबर्स से जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं बेटा, ठीक है. That is false. ये true नहीं है, ये क्या है? False. And third is, jute is the outer covering of coconut. जो jute है वो क्या होती है? Coconut की outer, बाहरी covering होती है बेटा. नहीं, ये भी क्या है? False है. क्यों? क्योंकि जो jute है ये plant से मिलता है हमें. और कैसे find out किया जाता है? जो jute के जो plant होते हैं ना, उनको बहुत डीप वाटर के अंदर कई दिनों तक डुबो कर रखा जाता है, फिर वो रोटेड हो जाते हैं. रोटेड होने के बाद उनके ऊपर से उसकी जो फाइबर होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है. राइट बेटा, तो जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. यस ट्रू. जो कॉटन है बेटा ये प्लांट से मिलता है हमें, और फ्रूट होता है ये प्लांट का जो पार्ट होता है ना जिससे हमें कॉटन मिलता है. जो फ्रूट, ये बोल्स होती हैं, कॉटन बॉल्स होती हैं, और उनमें से बोल्स को अलग कर दिया जाता है एंड सीड्स को सेपरेट कर दिया जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग. इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज, वीविंग ऑफ यार्न मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक. जो यार्न होता है बेटा, वीविंग, वीविंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो भी कपड़ा बनाया जाता है उसको ऐसे पैरेलली, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक दूसरे के जो पैरेलल होते हैं वर्टिकल, ऐसे यार्न को अरेंज किया जाता है तो क्या बन जाता है? वो एक पीस ऑफ फैब्रिक. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं बेटा. राइट, तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट. नो, वी नो दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. राइट बेटा, सिल्क वॉर्म क्या है?
एक इंसेक्ट्स है और वो क्या बनाता है, कोकून, और उससे क्या बनता है, क्या ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क, और ये क्या होता है, एनिमल फाइबर, राइट। और ये क्या कह रहा है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, तो इट इज फॉल्स, क्लियर। नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, नो इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स, बिकॉज पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, नॉट अ नेचुरल फाइबर, एंड इट इज मेड फ्रॉम केमिकल, राइट।